रिसोर्स करने वाले हैं भाई सॉइल की बात कर रहे हैं हम सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ठीक है अगर हम बात करें सॉइल हम बात कर रहे हैं सॉइल की सॉइल जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है राइट right? और आपको पता है कि हर रिसोर्स जो है हमारे पास लिमिटेड है सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं रहते रहते हैं में रहते हैं में right? राइट लेकिन हम अगर सभी बातों को देखें और एक बात देखें हमने बोला कि नेचुरल तो है नेचुरल रिन्यूएबल प्रोसेस तो है लेकिन अगर हम बात करें इसको फॉर्म होने में मिलियन ईयर लग जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं एक फ्यू सेंटीमीटर लेयर बनने में सॉइल की ठीक है फ्यू सेंटीमीटर लेयर तो हमने देखा हम बात कर रहे हैं सॉइल एज अ रिसोर्स की सॉइल जो है हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू हमारी जो सॉइल है वो फॉर्म होती रहती है लेकिन उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ठीक है इसीलिए हमें उसे बहुत अच्छे से यूज करना है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है Uh, बहुत ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट right? तो अगर हम देखते हैं इज़ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स राइट हमने देखा क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती तो रहती है लेकिन फ्यू सेंटीमीटर लेयर बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स हमारे लग जाते हैं इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ यस हमारे प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं सॉइल में ग्रो करते हैं एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब कहा पे होते हैं हमारे सॉइल में होते हैं ओके okay?

अगर हम देखें जो हमारे हाइट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट होते हैं जैसे कि हमारा प्लेट्यूज हो गए हमारे माउंटेन्स हो गए ये सब जो होते हैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए तो रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ये हम एट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर्मेशन के लिए देखो एक तो रिलीफ कहां पर है माउंटेन्स में तो तो उस तरीके की प्लाटूस तो उस तरीके की की फॉर्मेशन होगी हैं इस ब्लैक होगी राइट अगर हम लोग बात करें पेरेंट रॉक पे बच्चे किस पे जाते हैं पेरेंट्स पे ही जाते तो जो जहां वहां की जो पेरेंट रॉक होगी उसी तरीके की वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होगी उस वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वो मैटर करता है वेजिटेशन जो है और अदर फॉर्म्स जो है वो मैटर करती है फ्यू लेयर्स वो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के लिए राइट right? अगर हम बात करें बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं राइट right? देखिए जैसे कि हमारा टेम्प्रेचर एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया विंड हो गया ग्लेशियर्स हो गए हमारे अदर एक्टिविटीज़ जो होती है उनकी वजह से जो है हमारी जो है सॉइल फॉर्मेशन होती है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है अगर हम लोग देखें ग्लेशियर्स हो गए हमारे विंड जो हो गई फिर हमारे जो वाटर हो गया किसी भी फॉर्म में चाहे वो रेन फॉर्म में हो तो वो सब चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोइल देखो अभी हमने पढ़ा था ना जो भी हमारा पेरेंट बेड रॉक होगा उसी पे बेस्ड होके क्या बनेगी हमारी टॉप सोइल ठीक है पेरेंट्स पे ही बच्चे जाते हैं ना तो जो पेरेंट बेड रॉक होगा उसी के बेसिस पे फॉर्म होगी हमारी टॉप सोइल मींस हमारी जो सोइल लेयर है अगर हम बात करें इट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज़ डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक कौन कौन से फैक्टर्स अगर हम लोग देखें सॉइल फॉर्मेशन हो गया कलर ये सारे जो फैक्टर्स हैं थिकनेस कैसी होगी उसकी टेक्सचर कैसा होगा सैंडी टेक्सचर है किस तरीके का टेक्सचर है उसका एज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉरी अगर हम बात करें इट इज क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स तो अगर हम देखें कौन कौन सी वो टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो हम पढ़ेंगे राइट right? कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सॉइल हैं हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल राइट right? हमारा जो पूरा एंटायर नदन प्लेन्स है वो इसी सॉइल्स है मैक्सिमम जो पूरे इंडिया में फैली हुई सॉइल है वो है हमारी एलोवियल सॉइल उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर साथ में ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल के बारे में आप पढ़ोगे जो कि लावा के फॉर्मेशन से बनती है तो ब्लैक सॉइल जो हमारे प्लाटो में होती है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र का जो एरिया है कॉटन सॉइल भी हम इसे बोलते तो हम ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे फिर हम बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में रेड एंड येलो सॉइल के बारे में उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेटर राइट सॉइल के बारे में फिर हम एरिड सॉइल के बारे में बात करेंगे हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है एरिड सॉइल होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इम्पॉर्टेंट हमारी फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन साइल भी आप इसको बोल सकते हैं तो इन सभी सॉइल्स के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे राइट एलोवियल सॉइल ब्लैक सॉइल रेड एंड येलो सॉइल लेटराइट सॉइल एरेड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन्हीं की वजह से जो है ये सॉइल जो है फॉर्म होती है राइट right? तो विद दिस एंड ऑफ टुडे सेशन हम लोग आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहां पर यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर आप हमारे देख सकते हैं हमारी वीडियो को यूट्यूब पे हमारे ऑफिशियल चैनल www.magnetbrains.com पर हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारे जो टॉप कोर्सेज है देखिए हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स के साथ डील करते हैं राइट right? हमारे टॉप कोर्सेज है सीबीएसई बोर्ड दिल्ली बिहार यूपी एम एंड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हमारे यहाँ पर होती है क्रैश कोर्स एंड द स्पोकन इंग्लिश With this end of today's session, I hope you liked today's video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time, have a nice day.